इन्फोसिस एक निफ्टी फिफ्टी का शेयर है, लोग ये सोचते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में जो भी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप हैं, और ऐसा है भी। और लोगों में ये ट्रस्ट है कि लार्ज कैप स्टॉक्स गिरते हैं तो बहुत कम गिरते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आती है इन्फोसिस की तरह, तो वह स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पर भी खुल सकता है, और उसके 30 मिनट बाद जब वो स्टॉक दोबारा खुलता है तो ऊपर खुलने के बजाय वह नीचे की तरफ ही लुढ़कता जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक शेयर है 1000 रुपये का जिसकी फेस वैल्यू 10 है, और एक शेयर है 100 रुपये का जिसकी फेस वैल्यू 1 है, दोनों में अंतर ये होगा, 1000 पर मिलने वाला शेयर अगर 200 डेमा के ऊपर है और 100 रुपये में मिलने वाला शेयर 200 डेमा के नीचे है, तो आप किसका चुनाव करेंगे? ज़्यादा शेयर की संख्या मिलने पे या फिर स्टॉक की क्वालिटी और उसका टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पर उसका चुनाव आप करेंगे, किसके आधार पर? अधिकतर 90% जो लोग होते हैं वो वही शेयर चुनेंगे जो ज़्यादा संख्या में मिले, दाम भी कम हो और उसका प्राइस भी कम हो, वही दाम प्राइस एक ही है, और अपने हाई से कम 30-40% वो नीचे मिले। मान लीजिए इसी टाइप का एक स्टॉक है ITC, वो अपने हाई से 310 का हाई बनाने के बाद वो अभी 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो उस हिसाब से क्या वो सस्ता है? नहीं, उसकी फेस वैल्यू 1 है, यानी कि उसका प्राइस हो गया लगभग 2500 के लमसम। दूसरा, उसमें जो पी रेशियो है वो 24 है, औरों की तुलना में ये पी रेशियो कम है, पर इसमें टैक्स का मार्जिन काफ़ी हाई है। ये FMCG गुड्स भी बनाता है, पर इसका अभी आय जो आती है 60-65% मार्जिन तंबाकू प्रोडक्ट से आती है। तो उस हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि निफ्टी फिफ्टी के एक स्टॉक में अपने सारे पैसे झोंक देना ये समझदारी नहीं है। इन्फोसिस के आज की गिरावट पर वॉरेन बफेट के एक लाइन से इसको जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है, डोंट पुट योर एग ऑन वन बास्केट। इसलिए आप लोगों से
निवेदन है, आप लोग अगर अपने पोर्टफोलियो को ठीक तरह से मेंटेन करना ना जानते हो तो आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं या फिर आप अपने पैसे का मिनिमम 1% और मैक्सिमम 10% किसी एक स्टॉक को दें, उससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर होगा। कोई भी लार्ज कैप हो या मिड कैप या स्मॉल कैप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब में बदलाव से स्टॉक के ऊपर असर दिखता है। ये असर आपको 10-20% फायदा भी पहुंचा सकते हैं और 10-20% इन्फोसिस की तरह नुकसान भी देकर जा सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।